आज हम जॉन लॉक को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो जॉन लॉक है, ये जो पॉलिटिकल थॉट है उससे रिलेटेड है, और ये आपके ऐसे एथिक्स और आपके पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम जॉन लॉक को समझने की कोशिश करेंगे, उनके एक एक टॉपिक को हम लेंगे और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और उसके बेसिस पे आप एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो हम आज ये चर्चा करेंगे कि जॉन लॉक की जो पद्धति थी, उनका जो मेथड था वो क्या था। तो जॉन लॉक का जो मेथड था, जो पद्धति थी, उसे हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आगमनात्मक पद्धति। ये जो पद्धति है, ये जो मेथड है, लॉक का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी इस पद्धति का जो जनक है, फादर है, वो अरिस्टोटल को माना जाता है या अरस्तु को माना जाता है। इसके आधार पर लॉक ये कहते हैं कि जो आचरण के नियम होते हैं मनुष्य के, मनुष्य जो बिहेव करता है, जो आचरण करता है, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उनको हम कैसे कह सकते हैं कि बता सकते हैं कि मनुष्य का आचरण कैसा होगा। तो उन्होंने इसमें ये कहा कि मनुष्य के जो आचरण के नियम होते हैं या मनुष्य का जो बिहेवियर है, उसे हम अनुभवों के आधार पर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं एक्सपीरियंस के द्वारा। मतलब जो व्यक्ति को ज्ञान होता है, जो उसे नॉलेज होती है, वो किस बेस पे होती है? वो अनुभवों के आधार पर होती है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ज्ञान मनुष्य के अंदर, कोई भी नॉलेज मनुष्य के अंदर इनबिल्ट होती है, इनबिल्ट नहीं है। ये अनुभवों के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त होता है, और इसी के द्वारा जो है हम मनुष्य के बिहेवियर को पता लगा सकते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, उसका जो माइंड है, वो एक खाली स्लेट की तरह है जिसमें पहले से कुछ नहीं लिखा है। जो अनुभवों की उंगलियां हैं वो लगातार जो है उस पर लिखती रहती है, तभी जो मनुष्य को जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है। और इसी उनके इस मेथड के कारण, या उनके इस कह सकते हैं कि जो उनकी तकनीकी है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जिस विधि का उपयोग करते हैं, जिसे हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, या अनुभवों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसे हम इसीलिए उनको हम इंपेरिसिस्ट कहते हैं। मतलब ये एक अनुभववादी विचारक है। तो ये ज्ञान अनुभवों के द्वारा प्राप्त होता है, पहले से नहीं होता है, और मनुष्य के आचरण के जो नियम है वो हम अनुभवों के आधार पर, एक्सपीरियंस के बेस पर हम उनको गैस कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये लॉक का जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है जो मैंने आपको बताया। मुझे निश्चित रूप से ये उम्मीद है कि ये मेरे द्वारा कही गई जो बात है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, वो निश्चित रूप से आपको जो है समझ में आया होगा।